सभी को नमस्कार। आज से JBT टीचर्स के लिए ट्रांसफर ड्राइव ओपन हो गया है। 4 जनवरी 2022 तक स्कूल प्रेफरेंस आपको फिल करने हैं, हालांकि इसका समय आगे भी बढ़ सकता है। ऑप्शन फिल करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं, एक तो आप फ़ोन पर ऑप्शन फिल न करें, लैपटॉप या कंप्यूटर पर ही अपने स्कूल प्रेफरेंस फिल करें। दूसरा है, उन स्कूल की लिस्ट बना लें जो आपको फिल करनी है, उनके स्कूल कोड अवश्य लिख लें जो आपको फिल करने हैं, साथ में किस जोन में स्कूल है वो भी लिख कर रख लें। तो आइए चलो देखते हैं ये पूरा प्रोसेस कैसे करना है और स्कूल की जोन वाइज व डिस्ट्रिक्ट वाइज जो लिस्ट है, साथ में वैकेंसी लिस्ट भी नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आप MIS पोर्टल ओपन कीजिए, MIS पोर्टल का लिंक भी नीचे बॉक्स में दिया गया है। फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो आप गूगल से सर्च कर सकते हैं, MIS पोर्टल लिखिए, यहाँ सर्च कीजिए MIS पोर्टल स्कूल एम्प्लॉय एंड स्कूल एंड एम्प्लॉय लॉगिन। यहाँ आप अपना ID और पासवर्ड डालिए और लॉगिन कीजिए। उसके बाद आपको ये ऑप्शन दिखाई देंगे MIS AMS सेट, आपको MIS पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको ये स्क्रीन दिखाई देगी, ट्रांसफ़र प्रेफरेंस पर क्लिक कीजिए, फिर स्कूल वाइज ट्रांसफ़र प्रेफरेंस। यहाँ आपको अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, हिंदी या इंग्लिश, जो भी जिस भी लैंग्वेज पर में आप करना चाहते हैं, सबमिट। यहाँ आप ध्यान दीजिए, एनीवेयर इन स्टेट पर अगर आपने क्लिक कर दिया तो आप पूरे स्टेट में कहीं पर भी जा सकते हैं, तो इसलिए सबमिट स्कूल ऑफिस प्रेफरेंस पर क्लिक कीजिए और सबमिट करिए। उसके बाद ये स्क्रीन आपको दिखाई देगी, डिस्ट्रिक्ट आप कुछ कोई भी डिस्ट्रिक्ट चेंज नहीं कर सकते क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कैडर है JBT का, इसलिए जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप की पोस्टिंग है वही डिस्ट्रिक्ट यहाँ शो होगी। उसके बाद जिस जोन का स्कूल आप चाहते हैं वो जोन यहाँ पर फिल कीजिए। मान लीजिए मैं सबसे पहले जोन 5 के स्कूल चाहता हूँ, यहाँ पर आप स्कूल कोड डालिए, उसके बाद सर्च पर क्लिक कीजिए। यहाँ आपको देखिए वो स्कूल दिखाई दे रहा है, ऐड टू लिस्ट कर देंगे, ये आ गए यहाँ पर लिस्ट में। उसके बाद दूसरा स्कूल चाहते हैं, दूसरा स्कूल यहाँ उसका कोड डालिए, मैंने पहले भी बताया था स्कूल लिस्ट बनाकर अपने पास रख लीजिए और साथ में स्कूल कोड भी होने चाहिए जोन वाइज। अगर स्कूल कोड नहीं है तो आप स्कूल सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो देखिए ये जोन 5 का स्कूल आ गया है, GPS 0T 17890 स्कूल कोड ऐड टू लिस्ट। मान लीजिए अब मैं किसी दूसरे जोन में के स्कूल चाहता हूँ, जोन 6 सिलेक्ट कीजिए, यहाँ जोन 6 के स्कूल जो भी होंगे उनका कोड एक एक करके आपको डालना है। मान लीजिए मैं ये डालना चाहता हूँ, ये स्कूल सिलेक्ट करना चाहता हूँ, कोड डालिए, यहाँ स्कूल आ जाएगा और ऐड टू लिस्ट। देखिए कि ज़रूरी बात है, जो पिछला ट्रांसफर ड्राइव था उसमें आप कोड जोन सिलेक्ट करने पड़ते थे, मान लीजिए आपको पहले जोन 6 चाहिए थे उसके सारे स्कूल सिलेक्ट करने थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, आप सफल कर सकते हैं। मान लीजिए आप जोन 5 के 2 स्कूल सिलेक्ट किए, उसके बाद जोन 6 के किए, अब दोबारा से आप जोन 5 के सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ से करके देखते हैं, जोन 5, मान लीजिए मेरी चौथी प्रेफरेंस जोन 5 के स्कूल की है, तो उसका स्कूल कोड डालिए और ये आ गया ऐड टू लिस्ट। अब देखिए यहाँ पर जोन 5 है, फिर 6 आ गया, फिर 5 आ गया, तो इसी तरह आप सफल करके अपने स्कूल जितने स्कूल चाहें उतने ले सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात,
आप अपने MIS का पासवर्ड चेंज कर लीजिए, ऐसा ना हो कभी कोई दूसरा आपकी जगह फील कर दे। उसके बाद आप सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो आपकी ये लिस्ट सेव हो जाएगी, और उसके बाद आप उस लिस्ट का प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं PDF फाइल सेव करके। मैं यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड नहीं कर रहा क्योंकि अभी ये फाइनल नहीं है हालांकि, लेकिन हम दोबारा से भी एडिट कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है एक बार कर दिया तो फिर हम एडिट नहीं कर सकते। जब तक हम डेट है 4 जनवरी डेडलाइन है, उससे पहले आप कितनी बार भी अपने ऑप्शन चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, आपकी हर समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। मान लीजिए आप अपना पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो सेटिंग पर गए, चेंज पासवर्ड, यहाँ पुराना पासवर्ड डालना पड़ेगा, फिर नया पासवर्ड जो आप चाहते हैं, और उसके बाद चेंज पासवर्ड पर क्लिक कर दीजिए। धन्यवाद।